Back students, so today we will start chapter number 2, microorganisms. Got it? Microorganisms के बारे में बेटा start करने से पहले हम लोग ये जान लें कि microorganisms होते क्या हैं, ठीक है? So these are also living organisms, ये भी living organisms हैं, ठीक है? But हम क्या करते हैं बेटा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है? एंड सम ऑर्गेनिजम्स कांट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज, क्लियर? यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम लोग अपनी नेकेड आइज से यानी अपनी आइज से देख नहीं सकते, सो व्हाट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, क्लियर? तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी ऑल्सो कॉल इट एज माइक्रोब्स, इनको हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। तो साइंस में बेटा क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है? तो ऐसा जो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं, क्लियर रहेगा? एंड हूएवर द साइंटिस्ट्स हु स्टडी अबाउट माइक्रो बायोलॉजी आर नोन एज माइक्रो बायोलॉजिस्ट्स, क्लियर? नाउ सी, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है? कहीं भी पाए जाने का मतलब हम कह सकते हैं सॉयल में, वाटर में, इवन इन अवर बॉडी, ठीक है, इन एनिमल्स बॉडी। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा बेटा, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्लियर? एक एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम करते हैं कि कुछ सॉयल ले लेते हैं, सम क्वांटिटी ऑफ सॉयल, सम अमाउंट ऑफ सॉयल, एंड लेट इट वॉच और ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्लियर? तो जब हम देखेंगे उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में बेटा, तो हम क्या पाएंगे, हम कुछ स्ट्रक्चर्स पाएंगे, ठीक है, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉयल। सिमिलरली वाटर के साथ भी हम कर सकते हैं, एंड इवन इफ वी ऑब्जर्व आवर स्किन और एनी पार्ट फ्रॉम आवर बॉडी, क्लियर, वी ऑल्सो फाउंड देयर सम स्ट्रक्चर्स, गॉट इट? तो यही, इसी बात से ये हमें प्रूव होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर। नाउ दीज आर हार्डी, ये हार्डी, इनको हार्डी बोला गया, ठीक है? हार्डी क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, ये एक हार्ड आउटर कवरिंग जो है, इसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस, गॉट इट? जैसे बेटा हम लोग अपनी बात कर लें कि हम लोग अनफेवरेबल कंडीशंस से बचने के लिए क्या करते हैं, वी यूज टू वियर क्लॉथ्स, वी हैव होम्स फॉर शेल्टर, क्लियर? यानी हम लोग शेल्टर ले लेते हैं, क्लॉथ से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं जब भी कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं होती, क्लियर? उसी तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक हार्ड आउटर कवरिंग जिसको कि हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? और उसके अंदर बेटा ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? कब तक ये इनएक्टिव रहेंगे, जब तक कि कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं हो जाती हैं, क्लियर? सो नाउ सी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है? तो हाई टेम्परेचर
एरियाज में ये ग्रो ज़्यादा करते हैं. क्लियर? नाउ सी अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो इनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, एंड हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि 5 मेजर ग्रुप्स. गॉट इट? फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, बैक्टीरिया, एंड हियर आई हैव रिटन इट्स सिंगुलर सिंगुलर टर्म, दैट इज बैक्टीरियम. गॉट इट? एल्गी, एल्गा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन, फंगी, फंगस, वायरसेस, वायरस. क्लियर बेटा? दीज आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. गॉट इट? एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज इन दिस चैप्टर. हम लोगों को इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. क्लियर बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. एक एक करके हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. क्लियर? सो लेट्स सी अबाउट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है बेटा? अ यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? एक यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट ग्रोज एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. यानी ये क्या करता है बेटा? ग्रो और मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करता है. अगर हम देखें कैसे ग्रो एंड मल्टीप्लाई करता है, तो एक बैक्टीरियम इन विद इन 10 to 30 minutes वन बैक्टीरियम डिवाइड्स टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया. क्लियर? यानी एक क्या होगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? एक बैक्टीरियम 2 न्यू बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस कर देगा विद इन 10 to 30 minutes. गॉट इट? एंड इफ यू ऑब्जर्व सॉयल, 1 gram ऑफ सॉयल, वी फाउंड दैट इट कंटेन्स अबाउट 25,000 lakhs बैक्टीरिया. ठीक है? दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड, बट अप्रॉक्सीमेशन इज देयर. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, मोस्टली इट एग्जिस्ट सिंगली. यानी ज़्यादातर बेटा ये जो बैक्टीरिया होती है, ये क्या होती है? ये सिंगल ही एग्जिस्ट करती है. क्लियर? बट समटाइम्स इट क्लिंग टूगेदर, समटाइम्स इट कंबाइंस टूगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप और चेन. क्लियर? यानी कभी कभी ये क्या करती है? ये ग्रुप फॉर्म करती है या फिर एक चेन फॉर्म करती है. क्लियर रहेगा? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में बेटा फर्स्ट होता है हमारा रॉड शेप्ड. ठीक है? रॉड शेप्ड, एज यू ऑल नो दैट, लाइक दिस. क्लियर? रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होती हैं, जिनको कि हम लोग बैकली बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल. स्फेरिकल शेप्ड जो होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोकी. देन स्पाइरल. यू ऑल नो दैट स्पाइरल मीन्स. ठीक है? स्पाइरिला. क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया. नाउ वन मोर थिंग, वी हैव दैट इज एल्गी. क्लियर? एल्गी इट इज प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? हैविंग सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन इट सेल्स. बेटा ये क्या है? एल्गी जो है ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ पे कोई ऐसी सरफेस है हमारे आस पड़ोस में जहाँ पे कि वाटर थोड़ा बहुत गैदर हो जाता है या वहाँ पे मॉइस्चर होता हो, वो सरफेस जो है वो मॉइस्ट होता हो, तो आफ्टर सम टाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे कुछ ग्रीनिश टाइप की एक लेयर बन जाती है. बेटा दैट इज एल्गी. या वाटर जो पॉन्ड्स में होता है या रिवर्स में होता है, हम लोग उसमें देखते हैं कि कभी कभी एक ग्रीन स्ट्रक्चर उस पर फ्लोट करता हुआ जाता है, दैट इज एल्गी. क्लियर बेटा? इसमें क्या होता है? सेल वॉल भी होती है एंड इसकी सेल्स में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि इट मेक्स, इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, क्योंकि ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर में होता है. ठीक है? नाउ सी, इट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है. ठीक है? एंड इट हैव नो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स. यानी इसके कोई भी
रूट्स स्टेम और लीव्स एग्जैक्टली अगर हम कहें कि कोई शेप या कोई किसी स्वरूप का हो किसी साइज का हो दैट इज नॉट फिक्स्ड क्लियर दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि इसके पास कोई ट्रू रूट्स स्टेम या लीव्स नहीं ठीक है मोस्टली इट लिव्स इन वाटर मोस्टली बेटा ये कहाँ पाया जाता है वाटर में ठीक है वाटर हो गया वाटर मीन्स रिवर पॉन्ड्स क्लियर और कुछ बैक्टीरियाज ऐसी भी होती हैं बेटा जो स्नो या फिर हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं क्लियर कुछ बैक्टीरियाज ऐसी भी होती हैं बेटा जो वॉल्केनोज इरप्शन में भी सर्वाइव करती हैं ठीक है एंड मॉइस्ट सॉयल बार्क ऑफ ट्रीज एंड रॉक सर्फेसेस में भी ये पाए जाते हैं क्लियर बेटा रॉक सर्फेसेस जो होते हैं वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो जाएगा बेटा तो क्या होगा ये एल्गी वहाँ पे ग्रो कर जाती ठीक है बेटा सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गॉट इट सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे